हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है टारगेट गुरुकुल चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे एलएलबी थर्ड ईयर प्रोग्राम के सिलेबस के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना आपके लिए जरूरी है। मैंने बीएससी किया है, एलएलबी किया है और एलएलएम परसुइंग है मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलएलबी थर्ड ईयर के प्रोग्राम के सिलेबस के बारे में। आप लोग को सबसे पहले बधाई कि आप लोग ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस क्लियर कर लिए हैं और आई होप आपकी काउंसलिंग भी अब खत्म हो चुकी होगी और अब आपके क्लासेस भी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या 15 दिन बाद आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले किसी प्रोग्राम में अगर हम जाते हैं तो उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। और जहां तक बात करें आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप सब लोग ग्रेजुएशन पास आउट होंगे, ग्रेजुएट होंगे और किसी ने बीए, किसी ने बीएससी, किसी ने बीकॉम करके कंप्लीट करके एडमिशन जो है 3 ईयर्स एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एलएलबी 3 ईयर्स प्रोग्राम में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। उस 6 सेमेस्टर में आपको बहुत सारे पेपर पढ़ने हैं। तो पहले सेमेस्टर की बात या फर्स्ट सेमेस्टर की बात हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, उसके पढ़ने की स्ट्रेटजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले पेपर देखते हैं, पेपर 1। पेपर 1 बात करता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जनरल प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने में बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको आपको पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट जो जनरल प्रिंसिपल है, जो सेक्शन 1 to 75 कवर होता है, उसके बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? आप लोग ने बहुत सारी मूवी देखी होगी, सीरियल्स देखे होंगे, उसमें बहुत सारी कंपनियों में बातें होती हैं कि अरे मेरा इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया या ये कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ा तो उसको कंपनसेशन देना होगा। तो इसी रिगार्डिंग इस पेपर के बारे में हम पढ़ के पता लगा सकेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल है क्या, कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये पेपर पढ़ के आपको जो है वो पता चलेगा। यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब्ड केसेस हैं जिससे आप लोग पढ़ करके अपनी नॉलेज को और कॉन्ट्रैक्ट के इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर ले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो पहली बुक है वो बुक है अवतार सिंह की, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अवतार सिंह को प्रेफर करते हैं, आर के बांगिया को प्रेफर करते हैं। और साथ में ही आप लोग जब जाएंगे एलएलबी की क्लासेस करने तो सबसे पहले तो पाला पड़ेगा आपका बेयर एक्ट से। तो बेयर एक्ट आपने कभी अभी तक पढ़ा नहीं होगा, आई होप। शायद अगर किसी का लीगल बैकग्राउंड रहेगा, किसी का फैमिली का या किसी भी रिश्तेदार का को जो लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, उसको शायद पता हो कि बेयर एक्ट है क्या। तो बेयर एक्ट एक पतली सी एक डिक्शनरी टाइप की बुक है। जैसे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्शनरी यूज करते हो तो वैसे लॉ को बेटर जानने के लिए आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी और वो डिक्शनरी आपको बेयर एक्ट जो है प्रोवाइड करेगा या उसमें सारी चीजें मिलेंगी। इसमें एक्चुअली क्या है, जो भी एक्ट लेजिस्लेचर से जैसे पास हुआ है, जैसे पास किया गया है, एज इट इज इसमें रखा गया है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं। तो आपको अगर बेयर नॉलेज चाहिए, एक बेसिक ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, तो आपको जरूरी है कि बेयर एक्ट आप पढ़े। तो पहले तो आपको बेयर एक्ट क्या होता है ये आपको एक मोटा मोटा सारा चीज पता चल गया होगा। बेयर एक्ट पढ़ना कैसे है, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, ये सारी बातें इसी चैनल पे मेरे द्वारा डिस्कस की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 बात करता है लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में। लॉ ऑफ टॉट है क्या? तो लॉ ऑफ टॉट जो है ये एक सिविल रॉन्ग है, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है फिलहाल इंडिया में। ये इंग्लैंड में ज्यादातर गवर्न होता है, इंग्लैंड में सारी चीजें ऑलमोस्ट जो भी सिविल रॉन्ग है वो टॉट से ही गवर्न होती है। हमारे इंडिया में एज ज्यादा इसका चलन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में। लॉ ऑफ टॉट में भी आपको डेफिनेशन, एलिमेंट्स, नेचर ऑफ टॉट्स पढ़ने हैं,
जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ने हैं, फिर फॉल्ट, नॉन फॉल्ट लायबिलिटी, मिस्टेक, कंसेंट, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, लायबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट, डैमेजेस एज अ रेमेडी इन टॉर्ट, काइंड्स ऑफ डैमेजेस, मेजर ऑफ डैमेजेस, स्पेसिफिक टॉर्ट, एब्सोल्यूट टॉर्ट्स, लायबिलिटी, ये सारी चीजें आपको जो है इसमें पढ़नी पड़ेंगी. एंड हियर आर सम केसेस प्रिस्क्राइब्ड हो है, ये आपके केसेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉट में और बढ़ाने की. और इसके लिए जो बुक है आपकी, वो आप बुक ले सकते हैं इसमें आर के बांगिया की, इसमें भी सेम आप बुक ले सकते हैं टॉट में, आर के बांगिया की बुक आप इसमें देख सकते हैं, ले सकते हैं. ठीक है, तो अब इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट पेपर के बारे में. नेक्स्ट पेपर जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट. तो अगेन जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट के बारे में बात की गई है. फर्स्ट कोई पार्ट नहीं है ऐसा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक वास्ट सिलेबस है उसका, इसीलिए पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है. आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे, कुछ नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में आपको इसका पार्ट कवर कराया जाएगा. तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका हिंदी मीनिंग जो है वो संविधान है, और संविधान के बारे में सारे लोग कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे. तो इसी संविधान के कंटेक्स्ट में जो है वो बात यहाँ होगी, हमारे सिलेबस में डिस्कस होगी. जैसे मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर, जुडिशियल पावर, फेडरल आइडिया, रोल ऑफ जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इम्पैक्ट ऑफ एमरजेंसी, एंड हियर आर सम इम्पॉर्टेंट केसेस. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा सिलेबस जो है एलएलबी का इतने ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि आप अगर अच्छे से अपने सेमेस्टर में ही गो थ्रू हो जाए इन सिलेबस से, अच्छे से पढ़ लें, तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट से ब्राइट हो जाएगा. जैसे आप लोग सब आते हैं जुडिशरी में एलएलबी करने जुडिशरी के पर्पस से, तो जुडिशरी के लिए आपको ये जरूरी है कि आपका बेयर एक्ट जो है वो एकदम क्लियर हो, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जिससे भी हेल्प लेना हो जरूर लेनी चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट जो पेपर, इसके लिए बुक, हाँ बुक देख लीजिए. बुक जो है इसकी जे एन पांडे की बुक है, बी एन शुक्ला की बुक है, और अगेन बेयर एक्ट इसके लिए नेसेसरी है. तो अब अगर हम नेक्स्ट पेपर की बात करें, जो बात करता है फैमिली लॉ के बारे में, पेपर 4. फैमिली लॉ में दो लॉ मेनली हम लोग को पढ़ना होता है, एक हिंदू लॉ और दूसरा मुस्लिम लॉ. तो पहले सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे हिंदू लॉ के बारे में. तो हिंदू लॉ जो है वो क्या है, कैसे हिंदू लॉ में शादी होती है, कैसे एडॉप्शन होता है, कैसे सक्सेशन होता है, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये सारी चीजें हम लोग हिंदू लॉ में पढ़ेंगे, जिसमें सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ कहाँ से आया, मैरिज के बारे में बात करेंगे, काइंड्स ऑफ मैरिज, नेचर ऑफ मैरिज, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, डाइवोर्स डिक्री, ये सारी चीजें आप लोग इस पेपर में पढ़ेंगे. तो अगेन यहाँ भी ये सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, और कुछ प्रिस्क्राइब्ड केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके अपने सेमेस्टर में, अगेन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने में हिंदू लॉ की. तो अगर बात करें हम इसके बुक की, तो मेनली जो बुक है, पहले तो बेयर एक्ट मस्ट ही है इसका भी,
बेरेक इसका मस्ट है और डॉक्टर पारस दीवान, डॉक्टर पारस दीवान की बुक जो है आप इसके लिए परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट पेपर जो है आपका वो है पेपर फाइव जो बात करता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। तो आप लोग ने अभी तक जो बात सुनी होगी इंडियन लॉ के बारे में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में ही भी पढ़ना है आपके अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको डील करनी होंगी इस सब्जेक्ट में। पहले डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे ये काम करता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है या हुआ इंटरनेशनल लॉ का, सोर्सेस कहाँ क्या क्या है इसके, कहाँ से आया ये, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। फिर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो आगे चल के जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी या हम लोग आपको गाइड करेंगे जब फर्दर डिटेल्स में ये सारी चीजें जब डील करेंगे, तो ये जितनी भी वास्ट चीजें आपको लग रही हैं या हेक्टिक लग रही हैं वो सारी चीजें बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी। तो बात करें अगेन, इसमें भी प्रिस्क्राइब केसेस दिए गए हैं। और अगर इसके बुक की बात करें तो बुक जो है इसकी एच ओ अग्रवाल की आप प्रेफर कर सकते हैं। अगेन मेरे कहने पर बुक मत लीजिएगा, आप अपने प्रोफेसर से बात कीजिए, फिर आप अपने नियर बुक शॉप पे जाइए, वहाँ पे उसकी बुक की लैंग्वेज देखिए, थोड़ा टाइम बिताइए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठती है उस पे तो आप ज़रूर किसी टेक्स्ट बुक को परचेस कीजिए। तो अब हम लोग ने डिस्कस कर लिया ये सारी चीज़ें। अगेन ये सारी चीज़ें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप डील करेंगे इस सारे सब्जेक्ट से, और इसमें टारगेट गुरुकुल जो चैनल है आपके साथ हमेशा रहेगा और मैं आपकी लॉ सब्जेक्ट में हमेशा मदद करने के लिए रेडी हूँ। और आपका किसी भी तरह की हेल्प जो है वो हम लोग से मांग सकते हैं, और जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में। तो पहला तो वही बात कि जो जैसा मैंने बताया कि आप लोग सभी LLB पहले तो इसी पर्पज से करने आते हैं कि या तो वो एडवोकेट बन जाएंगे, अधिवक्ता बन जाएंगे, या तो फिर वो जुडिशरी में जाएंगे। सिर्फ यही दो फोकस चीजें जो होती हैं आपके दिमाग में करती हैं, लेकिन इसके अलावे भी लॉ का, लॉ एज अ सब्जेक्ट, लॉ लॉ एज अ कोर्स जो है वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। पहले तो इसके आप करियर ऑप्शंस देखिए, करियर ऑप्शन क्या है इसके। पहले तो आप एडवोकेट, दूसरा जुडिशरी, एडवोकेसी में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा लीगल एडवाइजर, और लीगल एडवाइजर कहीं पे भी, कहां पे, पीएसयूज में, बैंक्स में, या किसी कोऑपरेटिव में बन सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रोफेसर, और भी ऐसी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए लॉ रिसर्चर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटी है आपके पास LLB अपनी कंप्लीट करने के लिए। हालांकि LLB तो सब करते हैं, लेकिन आप में और दूसरे LLB जो होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या अंतर होगा ये मैं बताना चाहती हूँ, कि कैसे आप दूसरे से अलग बन सकते हैं या अपने आप को कैसे अभी से करियर ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हैं या अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं अभी से पढ़ करके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन के साथ। तो पहले तो आप, जैसे मैंने बताया कि अपना बेयर एक्ट पढ़ने की हैबिट डालिए, बुक्स आप अच्छी अच्छी पढ़िए, नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे। आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमारे
टारगेट गुरुकुल चैनल ने टारगेट सेमेस्टर नामक एक ऐप जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है आप लोग को, जिसपे मैं एज अ लॉ फैकल्टी आप लोग को पढ़ाऊंगी और आप लोग के जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर करूंगी। और यही नहीं, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर, ये सारी चीजों की पढ़ाई आपको टारगेट गुरुकुल ऐप पे कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अरे